अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसके अंदर मैंने अपने ना पेट्स फॉर सेल लगाए थे, तो उनके अंदर से हमारा जो तोता था ना वो सेल हो गया था, वो अब्दुल्ला ने ले लिया था। और अब ना अब्दुल्ला अपने नालों घर गया है और हमारे हमें देख गया तोता ना 4-5 दिन के लिए हमारे सुपुर्द कर गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है अब और कैसे उसने रखा हुआ है, तो वो देख लेते हैं अब। ये जी अब्दुल्ला का तोता है और अब्दुल्ला के तोते के पास ना अब्बू बैठे हुए हैं। और ना इधर काफ़ी अच्छा मौसम था, अब आप लोग देख सकते हैं कि बादल हुए थे, बारिश थोड़ी थोड़ी हुई है और धूप निकल गई है। ये देखे ना सामने धूप निकल आई है। और अब ना तोते को हमने बाहर निकाला था कि फ्रेश हवा ऐसे लगे। तो अब्बू से पूछते हैं कि कैसी कंडीशन में रखा है अब्दुल्ला ने। उससे पहले हम देख लेते हैं उसने एक फ़ायदा हो गया तोते को, तोता ना काफ़ी बड़े पिंजरे के अंदर आ गया था। अब छोटा था साइज़ में पिंजरा और अब बड़ा पिंजरा मिल गया तोते को। और खाने में इसने आड़ू दिया हुआ है इसे और सामने पानी रखा हुआ है। अब उसे पूछते हैं कैसी कंडीशन में रखे हैं। अभी दस हो गया जो रखे हैं सही रखे हैं, बहुत अच्छी तरह बहुत आज़ाद है, मैं खुली जगह पे है, आज़ाद है खुली जगह पे। हाँ, बड़ा खुश है। अभी तब बातें करने शुरू कर दी इसने, बातें करने भी शुरू कर दी। सुबह के टाइम देखो ना तो नमाज के बाद आया तो अकेला लगा होता है, बातें कर ली। हाँ ऊपर सही है। अभी इसके साथ को थोड़ा टाइम गुजारे, इसको टाइम दे तो इंशाल्लाह ये सब बातें करनी शुरू हो जाएगी। देखे ना पहले ना इसके अंदर तोता होता था हमारा, फिर हमने अब्दुल्ला को दे दिया और उसने बड़े पिंजरे के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो पहले इसके अंदर होता था। फ्रेंड्स, कुत्तों ने ना एक और हमारा नुकसान कर दिया, जो जिन्होंने गधी का बच्चा हमारा था ना उन्होंने एक और नुकसान कर दिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। हमारे घर की दीवार और उसके साथ खड्डा करते जा रहे हैं और इधर पानी आना है और दीवार बैठ जानी है। ये देखें घर के कारनामे किस तरह आराम से बैठे हुए हैं, एक ये और तीन इसके साथ ही हैं और आगे से भी 7-8 आ गए। तो फ्रेंड्स, कल का जो मैंने व्लॉग बनाया था ना उसके नीचे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप इतने मेहनती हो, सारे काम आप ही करते हो, तो देख लें फिर भाई सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो जो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इन कामों से जान छूट जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बड़े काम है। ये देखिए एक और काम मिल गया, बारिश हो जाए और हमारे छत का ना लेवल सही तरीके से नहीं है तो पानी खड़ा हो जाता है, तो अब पानी उतारने जा रहा हूँ, तो चलें चलते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं छत पर आ चुका हूँ और देखें पानी खड़ा है, फिर बादल बन रहे हैं। ये देखें यार, एक तो बड़ा अजाब बन गया हमारे लिए। ये देखें अभी ये उतारता हूँ और उतार के फिर कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैंने पानी उतारा भी नहीं था, थोड़ा सा उतारा और फिर बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मैंने थोड़ा सा उतारा था तो मेहनत ज़ाया हो गई यार। ये देखें वो पानी के अंदर जो कतरे पड़ रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखें फिर बारिश स्टार्ट हो गई, हम जल्दी से नीचे चलता हूँ, मैं पर इधर जाने देता हूँ। देखिए हमारी हवेली है ये सामने और इसके सामने ये देखें कितना ज़्यादा घास है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इधर इतने ज़्यादा सांप है ना, अब डर ही लगता है। स्प्रे तो लाजमी करनी पड़ेगी इधर सारे। फ्रेंड्स, बारिश के बाद फिर से धूप निकल आई है और इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई है ना बारिश के बाद। बारिश हो ना पहले किसी आम मौसम के अंदर, समर्स के अंदर भी हो तो फिर भी मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ना बारिश का भी कोई 1% भी फायदा नहीं होता ना। तो हमारी हवेली के अंदर बच्चे आए थे, वो बता रहे थे कि आपकी जिधर मतलब कि पहले ही परिंदों ने बच्चे दिए थे ना जिस जगह पर हवेली के अंदर, फिर से दिए थे उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि वो सारे बच्चों को ले गए हैं, एक रह गया वो नीचे ही रहा। तो मैं कहा उसको फटाफट मैं वीडियो बनाता हूँ, तो देखते हैं उसका भला क्या कंडीशन वगैरह। फ्रेंड्स, इसने दिया था वो ऊपर बच्चे दिए थे, वो सामने नज़र आ रहा होगा उधर दिए थे इसने बच्चे, और ये देखें एक ही रहा, कितना बड़ा हो गया। ये देखें बाकी सारे ले गए। अभी इधर आई हुई थी ये, सामने दीवार के ऊपर बैठी थी, दोनों इसके मतलब मामा बाबा दोनों बैठे थे कि इसको ले के जाते हैं, लेकिन वो चले गए और ये इधर रह गया, बाकी सारे बहन भाइयों को ले गए। काटने की कोशिश करता है प्यारा, लेकिन मैं ना दूर चला जाता हूँ ताकि इसके माँ बाप इसे भी ले जाने, तो उन्होंने इसे भूल जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो है ना अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहा है, तो वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो देखें इंतज़ार कर रहा है अपने माँ बाप को, और उसके माँ बाप लेने आ भी गए, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। बैठे इंतज़ार कर रहा था और वो सामने उसके माँ बाप, वो आगे सामने मामा बाबा इसके लेने आए हैं इसे। तो इधर ये है कि ये देखें महफूज है,
इधर को कुत्ता भी ला के नहीं खा सकता, देखें हर तरफ से बंद है। इधर सिक्योर तरीके से सिक्योर है बिल्कुल इधर ना, तो इधर जो है ना इसके माँ बाप आराम से सरिए के चले जाएंगे। मैं अभी इधर से चले जाता हूँ ताकि इसके माँ बाप आराम से चले जाएँ। चलो भाई ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है हाँ, जा सकते हो आप अंदर, अंदर जा सकते हो, जाओ जाओ। फ्रेंड्स मैं सोच रहा था कि इसके माँ बाप इसे ले जाएंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, वो उसी जगह पे ढूंढ रहे हैं जिधर ये पहले था। तो मैं ना इसको बाहर निकाल देता हूँ ताकि इसके माँ बाप इजीली इसे फाइंड करके तो इसे ले कर चले जाएँ। यही ना हो उनको ये लगे कि कहीं चला गया और वो फिर ले कर ना जाएँ, तो मैं अभी इसे पकड़ लेता हूँ। लेकिन अंदर चला गया वो सामने, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे पकड़ लेता हूँ। जरा बच्चे ये टूटता भी है यार अच्छा सा। पकड़ ली, फिर ये मैंने इसको छोड़ दिया, ये इसकी माँ को पता चल गया। अब इसे ले जाएगी, इसे पता ही नहीं था चल रहा। हाँ गया इसकी माँ, जाओ ले जाओ ले जाओ इसे। इसको पता नहीं था चल रहा, ये वो सामने बैठी हुई थी और इसको पता नहीं था चल रहा किधर है, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया। वो देखें एक वो सामने बैठी हुई है और एक ये है वो सामने, अब चली जाएगी अल्लाह का शुक्र है। ये हमारी हवेली के अंदर ना अर्थवॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, तो इससे ना मैं मार देता हूँ। ये मेरे पास सिर्फ 22 इसे मारना पड़ेगा। छोटा सा काट ही लगा इसे, अब मेरा ख्याल मर गया, अभी भी नहीं, अब मरा होगा, अभी भी नहीं मरा। चलिए अब इसका काम हो गया, अब हो गया इसका काम। चल क्यों रहे हो, जाओ ले जाओ। उड़ गई हैं, और तुम अभी तक इधर हो, हमने अपने भी काम करने हैं कि तुम्हें देखते रहना, जल्दी जाओ जाना है तो। जिस दिन के हमारे विलेज के अंदर से सांप देख गए ना विलेज के अंदर, उस दिन का मैंने ना अपनी हवेली की छोटी छोटी जगह पे भी ना सुराख का कपड़ा दे दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने हर तरीके से कवर करने की कोशिश की है। ये नीचे जगह थी ये सारी मैंने कवर कर दी है इसके साथ, ये देखिए यहाँ तक, क्योंकि मैंने देखा वीडियो के अंदर वो यहाँ तक खड़े हो जाते थे, तो मैंने यहाँ तक कवर कर दिया, बाकी ठीक है। और ये सामने एक पार्चा टाइप था जिसके जरिए पानी बाहर निकलता, इसके अंदर वाली साइड मैंने पत्थर रख दिया, तो अब काफ़ी सिक्योर है। आज तक कुर्सी पढ़ देते हैं, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, बाकी आप देख लें। फ्रेंड्स एक ये जो मतलब घर में सबके घरों में ना इस तरह मेथी वगैरह सूखने के लिए ना और धनिया वगैरह रखा जाता है, तो मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी आता हूँ इसे सूंघता ज़रूर हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू लगती है इसकी। ये धनिया रखा हुआ है और ये पता नहीं क्या मिक्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, मिक्स मसाला शायद। तो फ्रेंड्स हमारे घर के साथ भी जो है ना एक छोटा सा प्लाट है 15-16 मरले का, उधर भी काफ़ी ज़्यादा घास हो गया, और उधर भी से भी हमारे घर में ना सांप वगैरह आ सकते हैं। तो भाई ये हमारे मोहल्ले की वो ना अपनी भैंस वगैरह खोलते हैं, तो मैंने उनको बोला है कि आप इधर खोल लें ताकि इधर से घास वगैरह खत्म हो जाए, आपको भी काम हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। तो अब उन्होंने इधर खोलनी है तो वो उधर से चरा रहे हैं, तो मैंने इनको बोला तो है, अब देखते हैं आए भी है थे वो तो। हाँ ये देखें इन्होंने खोला हुआ है इधर अपने जानवरों को। ये जो है ना इन्होंने दादा बुस घर से भैंस ली है, ये सामने इनकी हवेली लिया, इनसे इन्होंने ना ये वाली भैंस ली हुई है और इन्होंने ली हुई है अहमद लोगों ने। तो कैमरे के आगे नहीं आना चाहता लेकिन कोई बात नहीं, वो देखे सामने क्या आ रही है। अहमद है सारी बड़ी ने ना, हाँ बोल रहा सारी मेरी हैं, लेकिन मैंने कैमरे के आगे नहीं आना। इनके पास ना पहले सिर्फ ये वाली भैंस होती थी, एक ईयर एक ईयर, अब ये सारी देखें कितनी ज़्यादा इनके पास भी होगी, ये देखें। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर ना तीन दरख्त, एक था लीमू का, एक माल्टे का और एक अनार का। जो था ना माल्टे का वो हमने काट दिया क्योंकि वो हमें प्रोडक्शन नहीं था दे रहा, उसके ऊपर फल बिल्कुल भी नहीं था लग रहा, तो वो हमने इधर से को आगे फेंक दिया। अब जो है ना उसके नीचे हमें डर है कोई चीज़ ना हो, अब उसे भी उठा के कहीं और लगाना पड़ेगा। तो जो है ना आज मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, वैसे किसी और दिन लगाएंगे, फिर अब आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब इसकी टहनियाँ वगैरह सूख गई हैं ना, तो अब इसे आग भी लगा सकते हैं हम। हमने ना ग्रीन इधर से काटा था, ये देखें एक इधर था ना, ये लीमू का, ये अनार का और साथ था इसका ये माल्टे का, और इधर हमने फेंक दिया दो दिन पहले, अब ये सूख गया, अब इसे आग वगैरह भी लगा सकते हैं हम। फ्रेंड्स आज के व्लॉग ना सिर्फ यहीं तक था, अगर आपको आज के व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने की भाई।